दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में घर के अंदर लाइट्स ऑफ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज मनारा चोपड़ा की तारीफें रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हां दोस्तों, इस समय मनारा की तारीफ कर रहे हैं समर्थ के पापा, और समर्थ के पापा ने यहां पर मनारा चोपड़ा की तारीफ करते हुए उसके सामने कहा है कि मनारा तुम ना हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, शो में जब भी एंटरटेन करती हो, हंसते रहती हो तो जनता को बहुत पसंद आता है, लेकिन तुम ना जब भी रोती हो ना तो रोते हुए तुम किसी को पसंद नहीं आती हो। और तुम जो चिंटू के साथ मिलकर मस्ती करते हो, तुम और चिंटू की जो जोड़ी बनती है, जिस तरीके से दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते हो, हंसाते हो फैंस को, वो चीज़ हम सबको बहुत पसंद आती है, सबको अच्छा लगता है। तुम ऐसी लड़की नहीं हो कि रोते हुए तुम अच्छी लगो। जब तुम रोती हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये लड़की क्यों लड़ती है फालतू में किसी से, क्यों इतना झगड़ती है, क्यों फालतू में रोती रहती है, अपने आप को दुख देती है। ये सुनकर यहाँ पर चिंटू कहता है कि पापा ये बात आपने ही नहीं बोली, यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए हैं ना सबने इसको यही बात बोली कि तू हंसते हुए अच्छी लगती है, मैं भी इसको यही बोलता हूँ, लेकिन फिर भी ये रो पड़ती है। वहीं दोस्तों इसके बाद में मनारा कहती है कि अब देखना अंकल, अब आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, अब मैं और चिंटू मिलके खूब एंटरटेन करेंगे आप लोगों को, आप चिंता मत करना, अब मैं रोने वाली नहीं हूँ, अब मैं लोगों को रुलाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मनारा चोपड़ा ने बड़ा दावा किया है यहाँ पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनारा पर इन सारी बातों का क्या असर पड़ता है, क्या वाकई फैमिली टास्क के बाद में मनारा के गेम में कुछ इम्प्रूव देखने को मिलेगा या फिर ऐसा ही रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या कहना है इस पर, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।